अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, सुबह सुबह मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई थी और सारे काम काज जो हैं वो रूटीन वाइज जारी थे। और इसके साथ ही साथ मैंने कहा कि सबसे पहले जो है वो आज ईसा के कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ, क्योंकि ईसा के बाबा ने जाना था बाज़ार। तो ईसा जैसे ही बाबा को तैयार होते देखता है तो उसका दिल भी करता है कि वो भी बाज़ार जाए और जो है बाइक का झूला एक दफ़ा लेके आए। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी ईसा को जो है वो शावर वगैरह दे देती हूँ, उसके कपड़े प्रेस करती हूँ और जो है उसे तैयार करके उसके बाबा के साथ मैंने फिर भेज दिया था। और घर में फ्रूट्स वगैरह भी ख़त्म थे और साथ में जो है वैसे भी वेजिटेबल्स वगैरह फ्रेश ही मैं मंगवाती हूँ तो वो भी लेनी थी। और इस तरह से जो है वो पहले मेरा भी प्लान था जाने का बाज़ार हस्बैंड के साथ। मैंने कहा चलें कुछ ग्रॉसरी मैं भी कर लेती हूँ, ग्रॉसरी की शॉपिंग। लेकिन फिर जो है मोहम्मद इब्राहिम की वजह से कि वो उसे फिर साथ ले के जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर मैंने लिस्ट जो है वो ईसा के बाबा को बना के दे दी थी। तो वो ही सारा कुछ लेके आ गए थे, क्योंकि आज उनकी ख्वाहिश थी कि उन्होंने फरमाइश की थी कि चाइनीज़ राइस जो है आप बनाएं, तो बस उसी का सारा सामान लेने वो गए थे। और जी, ईसा जो है वो कॉम बहुत मुश्किल से करवाता है। ईसा का दिल करता है कि मामा मैं ख़ुद कॉम करूँ, लेकिन मैंने उसे पकड़ के फिर बड़े मुश्किल से जो है वो कॉम वगैरह करवाई थी। और ईसा ने शावर वगैरह ले के माशाल्लाह से बहुत अच्छा उसे मैंने रेडी कर दिया था। ये आप देखें ईसा की लुक। और पॉकेट में अब वो बड़ा हो गया तो उसका दिल करता है कि मैं ना स्टाइल वगैरह मारूं, तो ये आप देखें कि पॉकेट में हाथ डाल के तो स्टाइल मार रहे हैं राजा साहब। और बहुत एक्साइटेड था आज वो बाज़ार जाने के लिए बहुत ज़्यादा। और इसके साथ ही साथ जी, बाज़ार से ये लोग आ गए थे तो मैंने चिकन मंगवा लिया था, बोनलेस चिकन मैंने मंगवाया था। और इसके साथ अनियन बहुत अच्छे आए हुए थे, फ्रेश बड़े साइज़ के बहुत ही अच्छे जो हैं अनियन आए हुए थे, तो मैंने वो भी मंगवा लिए थे। और इसके साथ ही साथ मैंने मूली वगैरह मंगवाई थी पराठों के लिए, और साथ में गोभी मंगवा ली थी राइस के लिए। और ईसा को ये जापानी फल बहुत अच्छा लगता है, ईसा के लिए वो मंगवाया था। और इब्राहिम बनाना शौक़ से खा लेते हैं मैश करके, तो उसके लिए बनाना वगैरह मंगा लिया था। तो बस इस तरह से करके मैंने ये छोटा मोटा सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मंगवा लिया था। और आज तो फुल डे बिज़ी था, क्योंकि इस तरह का कोई काम करना हो तो बहुत ही जो है वो सारा दिन बिज़ी रहता है। और साथ जी मैंने थोड़े से आलू और चिकन के कबाब भी बनाए थे, और अंडे को मैंने फेंट भी लिया था। और साथ ही जी शाम की चाय का टाइम हो गया था सबसे पहले, तो मैंने कहा कि क्यों ना कबाब साथ जो है ईसा के बाबा को फ्राई करके दे देती हूँ, तो वो चाय के साथ कबाब खा लेंगे और फिर जो है रात के खाने का एहतमाम करेंगे। क्योंकि सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने कट करके रख दी थी, तो मैंने कहा जो है रात को ही खाना खाना होता है तो रात को जो है फिर वो बना लेंगे। तो साथ ही जी मैंने चाय भी बना ली थी, और इस तरह से शाम की चाय हम लोगों ने पी ली थी। और राइस के जो है चाइनीज़ राइस की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। आज तो मैंने सिर्फ थोड़े थोड़े क्लिप ही लिए हैं इसके। और ये आप देखें कि गोभी भी ली थी आज जो मंगवाई थी, उसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, चिकन को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और चावल सबसे पहले मैंने बॉईल कर लिए थे, और ये आलू लिए थे मैंने तकरीबन 4 अदद। तो सबसे पहले जो है चिकन को मैं प्याज के साथ जो है वो थोड़ा बहुत फ्राई करती हूँ, इसका कच्चापन ख़त्म करती हूँ, और ऊपर से फिर मैं वेजिटेबल्स वग़ैरह जो हैं वो सारी इसमें ऐड करती हूँ। और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने फ्रेशली कूटा था और वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी है, और इसे थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और बस इस तरह से जो है ये मैंने आज बनाए थे, तो बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। जब भी मैं ये बनाती हूँ तो ऐसे दिल करता है कि ये ख़त्म ही ना हो, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, ना तो इसमें जो है वो जो है वो थिकनेस होती है चावलों की, बादीपन नहीं होता, क्योंकि चावल बॉयल हुए हुए होते हैं
और इसमें वेजिटेबल्स होती हैं, आप ये बच्चों को भी खिला सकते हैं तो बच्चे भी शौक से खा लेंगे। और इसके साथ ही साथ जी ये क्लिप दो दफ़ा जो है वो इसमें ऐड हो गई है कि सब्ज़ियाँ मैंने पहले डाल दी थी और ये दोबारा जो है ये क्लिप आ गया बीच में। तो जी खैर, सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने डाल दी थी और सब्ज़ियों को भी थोड़ी देर मैंने भुना था, और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था क्योंकि इसमें पानी नहीं जाता। अगर पानी आप डालेंगे तो बिल्कुल सब्ज़ियाँ घुल जाएंगी। तो इस तरह से फिर मैंने चावल पहले बॉयल करके रखे थे, तो इस तरह से मैंने इनकी तह लगा दी थी। और साथ जी मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे क्योंकि ईसा के पापा जो हैं उन्हें ये जो है सही सही जो फ्राई हुए हुए कबाब होते हैं वो उन्हें अच्छे लगते हैं, तो मैंने ज़रा ज़्यादा कलर दिया था कबाबों को। तो ये हर चीज़ रेडी है। चटनी का भी, चटनी को भी मैंने कूट ली है, साथ में चावलों की तह भी लगा रही हूँ और साथ में जो है बाकी के काम भी सारे कर रही हूँ। तो ये आप देखें, चावलों की तह मुकम्मल तौर पे लग गई थी और अब मैंने इससे दम लगा दिया है, और तकरीबन 15 मिनट मैंने दम लगाया था। साथ में मैंने चटनी कूट ली है, अब इसमें सिर्फ दही मिक्स करनी है। और कबाब बना के मैं रूम में लाई थी, तो ईसा जो है वो वैसे तो इतना खाने पीने का शौक़ नहीं है उसे, लेकिन इस तरह से देख के काफ़ी जो है वो माशाल्लाह से उसने काफ़ी ज़्यादा खा लिए थे कबाब, उसे बहुत अच्छे लगे थे क्योंकि बहुत कम मसाला इसमें मैं रखती हूँ तो बच्चे भी इजीली खा लेते हैं। और ये जी मैंने अपनी प्लेट बना ली थी, तो जी बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे, सबको बहुत पसंद आए थे। तो बस जी आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।